पटना से बहुत बड़ी खबर आ रही है जो आज का न्यूज है। महागठबंधन की 5 पार्टियां नए शिक्षक नियुक्ति नियमावली के विरोध में, सदन में इनके टोटल 39 विधायक। नियमावली के पक्ष में सिर्फ 2 ही दल हैं, जदयू और राजद। देखिए अब हम विस्तार से बताते हैं आप लोग को। नियोजित शिक्षकों का मांग है कि राजकर्मी का जो दर्जा मिले वह बिना परीक्षा का मिले, ठीक है। क्या कहते हैं पार्टियों के नेता? भाकपा माले का कहना है कि शिक्षकों को धमकी नहीं दिया जाए और वार्ता कर समस्या का समाधान किया जाए, जबकि भाकपा का कहना है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, इनका भी वही कहना है कि वार्ता करके समाधान निकाला जाए। माकपा का कहना है कि कार्रवाई की बात शिक्षकों पर नहीं की जानी चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि नई नियमावली जो है वह सही नहीं है। वही हम हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा का पक्ष है कि नई नियमावली जो बनाई गई उसमें हमसे कोई भी राय नहीं ली गई। 178,000 बिहार में शिक्षकों की नई नियमावली के तहत बीपीएससी के माध्यम से बहाली होने वाली है और उस बहाली में नए कैंडिडेट और नियोजित शिक्षक दोनों एक समान शामिल होंगे और उसमें जो कट ऑफ पार करेंगे एग्ज़ाम में, परीक्षा में, उन्हीं को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा और अन्य सारी आवश्यक भत्ता भी दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स दोस्तों।